ये वो यादव के पकड़ के ले जाके मार मार के नाखून नोच नोच के और जान मार दिया। उसका नाम अनंत सिंह। ये बोल सुना आपने, अनंत सिंह जालिम अपराधी है और उन्हें ये उपाधि देने वाला कोई और नहीं खुद लालू यादव है, जिनके बेटे तेजस्वी ने आज मोकामा उपचुनाव में उस जालिम अपराधी अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह को टिकट दिया है। और ऐसे में लालू यादव की इस वीडियो के सामने आने के बाद मोकामा उपचुनाव में अब एक नया मोड़ आ गया है, जिससे अब लालू तेजस्वी की खूब किरकिरी हो रही है, खूब फजीहत हो रही है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार विधानसभा की मोकामा सीट इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है, सबकी निगाहें टिकी हुई है, चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस सीट पर बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ रही है। इसी बीच बीजेपी ने अब एक बड़ा दाव खेला। बीजेपी ने 18 जून 2015 को मोकामा में हुई पुट्टू यादव की हत्या के बाद लालू यादव के एक बयान को खोज निकाला है, जिसमें लालू यादव अनंत सिंह को जालिम अपराधी बताते हुए उन्हें जेल भिजवाने तक की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी ने इस वीडियो को ट्वीट कर दिया है। बीजेपी बिहार की ओर से ट्वीट किए गए इस वीडियो में लालू कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने नीतीश को बोलकर अनंत सिंह को बेऊर जेल भेजा। 52 सेकंड का ये वीडियो है और 52 सेकंड के इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है। आप भी पहले इस वीडियो को देखिए, पूरी वीडियो देखिए, फिर आगे इस पे बातचीत करते हैं। देखो छोटा सा है, छोटा सा है मोकामा वाला, नाम सुना है, बेऊर जेल में भिजवाए हम लोग सब लोग। देखो यादव के पकड़ के ले जाके मार मार के नाखून नोच नोच के और जान मार दिया। उसका नाम अनंत सिंह। चादर रोते हुए हमारा बौआ के नोच नोच के मारते कहीं आज राजनीति रहे या नहीं रहे, नीतीश कुमार को हम कहा लालू यादव का ये बयान अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक जनसभा में दिया गया था। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए बीजेपी ने एक कोट भी लिखा है और बीजेपी ने लिखा है कि जाति का नाम बंद तो इनकी राजनीति बंद। जातीय वैमनस्यता का बीज बोता ये वीडियो मोकामा में अब उल्टा हो गया। बीजेपी इस वीडियो को बड़ा हथियार मान रही है उपचुनाव के पहले। बीजेपी ने इस वीडियो को वायरल कर दिया है, वीडियो को खूब रिट्वीट भी किया जा रहा है और लोग इसे जातीय राजनीति का घिनौना चेहरा बता रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरी घटना, ये पूरा वीडियो 18 जून 2015 का है, जब बाढ़ इलाके में पुट्टू यादव की लाश मिली थी। बताया जाता है कि एक दिन पहले विधायक अनंत सिंह के इशारे पर उनके गुर्गों ने पुट्टूस की हत्या कर दी थी। कहा यह भी जाता है कि विधायक को गुस्सा इस बात से आया था कि पुट्टूस ने उनके परिवार की किसी महिला पर फप्तियां कस दी थी। उसके बाद लालू यादव ने हत्या का साजिशकर्ता अनंत सिंह को करार दिया। उन्होंने कहा था कि AK-47 के बल पर घर में घुसकर पुट्टूस को उठाया गया, लेकिन अब वही लालू परिवार अनंत सिंह की पत्नी पर दाव खेल रहा है उपचुनाव में जीत के लिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या तेजस्वी जीत के लिए अब एक अपराधी का सहारा लेंगे, एक वैसा अपराधी जिसको खुद उनके पिता लालू यादव ने जेल भिजवाया। इसके अलावा भी कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अहम सवाल यही है जो अब खड़े हो रहे हैं। 2015 का ये वीडियो बीजेपी सामने लेकर के आई है और इसे चुनाव में हथियार बना करके इस्तेमाल भी कर रही है और मोकामा में बीजेपी महागठबंधन को कमजोर करने में लगी है। ऐसे में देखना ये होगा कि ये वीडियो उपचुनाव में क्या नया मोड़ लेकर के आता है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।